हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, और वापस से आप लोगों का स्वागत है डब्ल्यूपी गाइडर में। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है केजीआर टेक्निक के ऊपर, यानी कि कीवर्ड गोल्डन रूल। ये जो टेक्निक है पहली बार डग कनिंगटन ने बताई थी, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेजोन एफिलिएट मार्केटर्स हैं, और इनको कौन नहीं जानता है। अगर बहुत सारे लोग इनकी ये टेक्निक को जानते भी होंगे, बट अगर आपको नहीं, अगर आप जानते भी हैं तो भी आप वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में कुछ अपने जो फाइंड किए हुए चार केजीआर जो कीवर्ड हैं उनको मैं रिवील करूंगा। एंड अगर आप नए हैं तो श्योरली आप देखिए, कुछ आप नया सीखेंगे। तो बेसिकली अगर कीवर्ड गोल्डन रूल के बारे में हम बात करते हैं, तो केजीआर टेक्निक ये कहती है कि जितने भी ऑल एंड टाइटल रिजल्ट्स हैं किसी भी कीवर्ड के, डिवाइडेड बाय जो सर्च वॉल्यूम है, अगर हम जो उसका रेशियो आता है, अगर वो 0.25 कम है तो वो ग्रेट है, और 0.25 से 1 के बीच में है तो वो माइट वर्क करेगी, और 1 से अगर नीचे है तो वो बैड है ऑफ कोर्स। हालांकि हम लोग इसी को देखते हैं, 0.25 से नीचे है अगर उसका रेशियो तो वो आपका विद इन 48 आवर्स आपका जो नई साइट है या रैंक साइट है जिनका DAPA अच्छा है वो तो रैंक करती ही करती हैं ऑफ कोर्स, बट जो नई साइट है बेसिकली ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है ये टेक्निक। तो हम इसी, यही जो अपना फॉर्मूला है इस पे हम काम करते हैं। 0.25 से कम हम रेशियो वाले कीवर्ड्स हम फाइंड करते हैं, एंड कुछ उस तरीके से हम इसको रैंक कराने की कोशिश करते हैं। अब इसको समझाने के लिए बेसिकली चले चलते हैं हम अपनी एक एक्सेल शीट के ऊपर, जो कि मैंने तैयार करी है, और कुछ इस तरीके से वो एक्सेल शीट है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको चार कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें कि पहला कॉलम कीवर्ड का, सेकंड आपका कॉलम रहेगा ऑल एंड टाइटल। मैं सब आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑल एंड टाइटल है क्या, एंड बाकी सारी जो चीज़ें हैं ये सारी किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। एंड जो थर्ड हमारा है वो है सर्च वॉल्यूम का, एंड जो फोर्थ है हमारा KGR का, ठीक है। ये टेबल बनाना बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप इस पे बना करके इस पे आप काम कर सकते हैं। तो ये जो टेबल हमारी बन गई है, अब इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पे एक हमें फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे हम FX में हम जाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, ब्रैकेट ये वाला लगाएंगे, एंड आप ये देख पा रहे हो ये B2, इस पे हमें टैप करना है, डिवाइडेड बाय C2, इस पे हमें टैप करना है, एंड हमें ब्रैकेट हमें बंद कर देना है। ओके, तो ये जो हमारा जो टेबल है वो तैयार हो चुकी है। इसको हम यहाँ से नीचे से हम ड्रैग कर देंगे। अब लेट से हम कुछ भी अगर इसमें टैप अभी करते हैं तो इसका हमें ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स यहाँ पे आ जाता है। दैट्स परफेक्टली वर्किंग फाइन। एंड यहां से अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि अब हम जब फाइंड करते हैं कीवर्ड तो हमें बेसिकली दो तीन चीजें चाहिए रहती हैं। एक पहली चीज तो हमें सर्च वॉल्यूम फाइंड करने के लिए नील पटेल का उबर सजेस्ट, एंड उसके बाद सेकंड चीज हम जो यूज करता हूँ वो एक एक्सटेंशन है जो कि WMS Everywhere करके, ये क्रोम एक्सटेंशन है, आप इसको आसानी से क्रोम वेब स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्रोम एक्सटेंशन WMS Everywhere। तो जैसे कि ये क्या कैसे काम करता है मैं आपको बताऊं। जैसे कि मैंने कुछ भी गूगल में सर्च किया शूज़, तो अब ये मेरे को यहाँ पे उस पर्टिकुलर शूज़ के जितनी भी ये सर्च वॉल्यूम्स हैं, ये राइट में आप देख रहे होंगे, ये राइट में ये इसकी जितनी भी सर्च वॉल्यूम है, एंड राइट में उसका CPC बता देता है। फिलहाल हमें KGR पे फोकस करने के लिए हमें ये सर्च वॉल्यूम्स चाहिए हैं, एंड यहाँ पे भी टॉप में देखिए इसकी सर्च वॉल्यूम बता देता है शूज़ पर्टिकुलर कीवर्ड की जो सर्च वॉल्यूम है वो इंडिया पर्टिकुलर रीजन में, अगर इंडिया में सर्च किया जाता है तो 4,50,000 की इसकी सर्च वॉल्यूम है। तो अब मैंने कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप KGR कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, तो उसको फाइंड करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको बेसिकली कुछ
करना नहीं है। हालांकि हिट एंड ट्रायल ये रूल है, आपको डिफरेंट डिफरेंट सारे कीवर्ड्स आपको फाइंड करने होते हैं एंड वहां से आप केजीआर कीवर्ड्स आप फाइंड कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने सर्च किया बेस्ट शूज फॉर रनिंग, ओके, एंड यहाँ पे मेरे को अभी ये वॉल्यूम बता देगा। तो या जैसे कि इसकी वॉल्यूम है 8100। अब मुझे एक इसमें कंडीशन जो आ जाती है, सबसे बड़ी कंडीशन, जैसा कि केजीआर में जो कंडीशन है, इसमें जो एक कंडीशन होती है वो ये होती है कंडीशन कि जो आपका जो कीवर्ड है उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम 250 होनी चाहिए। अब जैसा कि ये वॉल्यूम इस पर्टिकुलर कीवर्ड में 8100 है, हमें ये पर्टिकुलर कीवर्ड का नहीं चाहिए, हमें चाहिए 250 ओनली, मैक्सिमम 250 हमें चेक करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऊबर सजेस्ट का हम लेते हैं एग्जाम्पल। अब ऊबर सजेस्ट पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम आसानी से फिल्टर लगा सकते हैं। कोई भी हम मतलब कि कीवर्ड हम यहाँ पे टाइप करते हैं तो उसके जैसे सर्च रिजल्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद सर्च वॉल्यूम में हमें मैक्सिमम 250 करके इसको अप्लाई कर देना होता है। तो जैसा कि अब जब हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये सारे रिजल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अब ये सारे रिजल्ट्स आ गए तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये सर्च वॉल्यूम जैसे कि यहाँ पे 50 है किसी कीवर्ड की, किसी कीवर्ड की ऐसे। अब जो मैंने आपको फाइंड करे थे, वीडियो जिससे लंबा ना हो जाए, मैंने जिस हिसाब से फाइंड करे थे वो कुछ ये चार कीवर्ड हैं। अब इसका मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि एक ये कीवर्ड है विस्की ग्लासेस ऑनलाइन इंडिया। तो अब यहाँ पे इसको अगर हम सर्च करते हैं तो इस कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो यहाँ पे 210 आ रहा है। एंड ऑल इन टाइटल आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आप फर्स्ट में आप अपना कर्सर टैप करेंगे और यहाँ पे आपको ऑल इन टाइटल लिखना है और कोलन बीच में लगाना है, एंटर मार देना है। इसके बाद तो जो आपके सर्च वॉल्यूम्स आएंगे वो आपके यहाँ पे आएंगे। ये चीज आपको फिर देखनी है कि कितने आपके सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं। कभी कभी कैशे का भी इशू होता है तो मेक श्योर आप सेकेंड पेज पे जा करके देख लें कि कितने ज्यादा आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल 19 रिजल्ट्स आ रहे थे और फर्स्ट पेज में आपके 2000 प्लस आ रहे थे। तो ये बेसिकली कैशे का आपको बीच बीच में कुछ आ सकता है गूगल में, तो मेक श्योर आप इनकॉग्निटो मोड में करें तो मे भी ऐसा ना आए, बट ये आप सेकंड पेज पे जाकर के कंफर्म कर लें क्या टोटल रिजल्ट्स इतने ही आ रहे हैं। अगर उतने ही आ रहे हैं तो ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि जो सर्च वॉल्यूम था इस पर्टिकुलर कीवर्ड का, जैसे कि जब हम सिंपल ये कीवर्ड सर्च करते हैं, इसका आ रहा था 210। हम अपने केजीआर कीवर्ड में अपने शीट में आ जाएंगे, ऑल एंड टाइटल जैसे कि आप लोग को बता था कि मैक्सिमम जो आ रहा था वो 19 था, सर्च वॉल्यूम 210 था। एंड जब हम इसको यहाँ पे करते हैं तो जो कीवर्ड केजीआर जो रेशियो आता है वो अपना 0.09 आ जाता है। अब जैसा कि मतलब कि ये कैसे आया 0.09, ऑल एंड टाइटल डिवाइडेड बाय सर्च वॉल्यूम। हमने अभी जो फॉर्मूला लगाया था इस पर्टिकुलर इसमें, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे 19 मैं लिख रहा हूँ एंड सर्च वॉल्यूम इसकी 210 लिख रहा हूँ, तो अब यहाँ पे 0.09 यहाँ पे ये आ गया। ऐसे ही ये आपको फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे इसको ड्रैग कर देना है, तो जिससे कि आपका ये शीट आपकी बन जाती है। और ऐसे ही मैंने ये तीन चार कीवर्ड्स मैंने फाइंड किए हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये चारों कीवर्ड्स। बट मेक श्योर आप मतलब कि सब लोग अब इसी पे काम करने लगोगे तो ऑब्वियसली जो उसका कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा एंड सबके लिए वो नहीं होगा। आप मेक श्योर आप अपनी पर्टिकुलर नीच में यही स्ट्रेटजी के संग करिए एंड आप डेफिनेटली 24 to 48 आवर्स में आप गूगल की टॉप रैंकिंग्स में आ जाएंगे, टॉप 1, 2, 3 आर्टिकल्स में आपके आ जाएंगे। फ्यूचर के वीडियोज में मैं आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस दूंगा कि किस तरीके से केजीआर ढूंढा जाता है एंड एक हम केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे कि फुल केस स्टडी एक मेरे क्लाइंट की वेबसाइट थी, उस वेबसाइट पे उसने किस तरीके से केजीआर पे काम किया एंड उसका जो अभी ट्रैफिक है वो क्या है, हम उस पे डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम एक और कीवर्ड पे हम आपको दिखा देते हैं, ये लास्ट वाला जैसे कि ले लेते हैं बेस्ट एयर प्यूरिफायर। अब वापस से हम गूगल में आ जाते हैं तो यहाँ पे हम जैसे ये सर्च करते हैं
एंड यहाँ पे इसका जो सर्च वॉल्यूम आ रहा है वो है 90, मतलब ये इंडिया में 90 लोग एवरेज मंथली सर्च इस कीवर्ड की होती हैं। एंड वापस से हम इसमें ऑल इन टाइटल यहाँ पे लिखेंगे, कोलन लगाएंगे एंड एंटर मार देंगे तो 12 रिजल्ट्स आ जाते हैं। ऑल इन टाइटल का बेसिकली ये मतलब होता है कि ये जो कीवर्ड्स हैं ये अपने जो टाइटल में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ब्लॉग के टाइटल में लिख रखा है या ऐसा चीजें हैं। तो बेसिकली 12 ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं। एंड यहाँ पे वापस से हम आ जाते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 12 है इधर, 90 इधर एंड 0.13 है। तो जितना भी केजीआर का जो रेशियो है वो जितना भी जीरो के क्लोज होगा उतना ज्यादा हम लोगों के लिए अच्छा है और उतनी जल्दी हम रैंक करेंगे। जैसे कि 0.25 के नीचे होना चाहिए, अब इस पर्टिकुलर केस में 0.24 के करीब है तो मे बी आप फर्स्ट रिजल्ट्स में ना आ पाए या आपको थोड़ी सी बैकलिंक बनानी पड़े अपने आर्टिकल को रैंक करने के लिए। बट इन तीनों आर्टिकल्स में, इन तीनों कीवर्ड्स में आप डेफिनेटली 1 पे आ जाएंगे। एंड जिसकी सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो इस कीवर्ड का है, बेस्ट वाटर प्यूरिफायर अंडर 30,000। इसकी ओनली ऑल इन टाइटल 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कीवर्ड को यूज किया है एंड जो सर्च वॉल्यूम है इसका वो 50 है। तो बस इसका देखिए कितना कम है केजीआर। तो बेसिकली यही एक जो टेक्निक है केजीआर टेक्निक, इससे मुझे भी फायदा हुआ है, मैंने भी अपनी साइट पे इम्प्लीमेंट किया है। फ्यूचर में अगर हुआ तो मैं भी अपनी साइट का जो डेटा है उसको, डेटा क्या, मैं कीवर्ड्स ऑब्वियसली मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा बट मैं आपको ट्रिक और इसका कन्वर्जन दिखाऊंगा कि कितना मुझे, मतलब कितनी सारी पोस्ट हैं जो रैंक कर रही हैं इन केजीआर कीवर्ड्स पे एंड मुझे उस पे से कितना ट्रैफिक जनरेट हुआ है। यही थी एक केजीआर टेक्निक। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड अगर किसी से आप शेयर कर पाएँ तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही शेयर होती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।